हम लोग तो शायद 1977 में आए हैं, तो रेलवे उससे पहले से है, बहुत ज़्यादा पहले से। रेलवे स्कूल जिसमें हम पढ़े थे ना, वो 1921 या फिर 31 थे। व्हाट्सअप, आज का वेदर थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का है। मतलब देख के मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। देखो वेदर, देखो धूप है ही नहीं, टाइम हो रहा है 12:30 के आसपास। हर दिन जिस टाइम पे सबसे पीक वाला वेदर होता है, धूप होता है और सबसे ज़्यादा लू बहता है, मतलब गर्म हवा बहता है, उस टाइम पे वेदर बहुत खाली करता है, हल्का हल्का सा धूप है बस और ठंडा ठंडा हवा बह रहा है। आज क्या हो चुका है वेदर को पता नहीं, लेकिन शायद काल बैसाखी वाला जो तूफान आता है ना, वो भी हो सकता है, उसका आवाज़ भी हो सकता है। वैसे वो चाहिए, बीच में इतना ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ गया ना, हाथ में लग जाता है हमेशा इधर आते तो। ये चीज़ें बहुत सामने हैं, बीच में गैप नहीं है ज़्यादा, अभी हल्का सा लग गया, उतना तेज़ नहीं लगा, लेकिन इन सब चीज़ों से बचना है। लगा ही गया है ना ट्रेसपासर्स को रोकने के लिए, तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो क्या कोई भी आ जाएगा ना, तो थोड़ा सा तो नुकीला चीज़ होगा। लेकिन बात वो नहीं है, बात है कि आज का वेदर काफ़ी बढ़िया। मैं तो थोड़ी देर पहले उठा था, मतलब 11 बजे उठा था, अभी 12:30 के आसपास टाइम है, आज निकल भी सकते हैं आराम से। आज वाला जो वेदर है ना, इस वेदर में काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल के घूम के आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत होने नहीं वाला है। एक बार बाज़ार जाना भी है कुछ सामान लाने के लिए, प्लानिंग करते हैं थोड़ा सा। सुबह तो अभी थोड़ा सा बिजी है, उसका काम हो जाए फिर थोड़ा सा प्लानिंग करते हैं और चलते हैं। वेदर काफ़ी बढ़िया है, इस वेदर में काफ़ी मज़ा आएगा। उससे पहले थोड़ा सा गाना सुनते हैं, यही वाला गाना चलाता है क्या, अलविदा। का प्लानिंग तो हो चुका है गाइस, और जितना कि बाहर देख रहे थे अभी भी देख लो, उतना तेज़ धूप काल के जैसा है नहीं, तो मेरे ख्याल से आज सही से जा पाएंगे। वैसे गर्म वाला हवा तो चलेगा ही, बेबी का यहाँ पे देखो कितने सारे खिलौने साइड में पड़े हुए हैं, इसको थोड़ा थोड़ा साइड कर देता हूँ मैं। तो गर्म वाला हवा वैसे चलेगा, उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वेदर कल के मुकाबले बहुत ज़्यादा धूप कम है, तो निकलते हैं जल्दी। इन सबको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, और मैं एक फुल स्लीप पहन लेता हूँ, ऊपर वाला स्कार्फ। बिना स्कार्फ के जाना एकदम मतलब इम्पॉसिबल वाला चीज़ है, मौत के मुँह पर जाने वाला चीज़ है, तो वो करेंगे नहीं, उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि माउंटेन ड्यू मेरे पास अभी है नहीं, और बाज़ार में भी अंडाल में भी माउंटेन ड्यू का सप्लाई थोड़ा सा कम है, तो उतना रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे। अभी स्कार्फ लेते हैं, एक फुल स्लीप पहनता हूँ, फिर निकलता है। सुबुदा भी निकल गया होगा, देखते हैं यहाँ से दिखेगा वो नीचे शायद, वो देखो निकल गया। कल लास्ट दिन लेके गए थे लेकिन हुआ नहीं था काम, तो इसी को आज भी लेके जाना है। एक्चुअली हमारे घर के पास वाला जो है ना, वो अभी है नहीं, वो एक तरफ फार्मर भी है, एक तरफ ये काम भी करता है, तो बिहार चले गए अकूल के पास में, वहीं पे चलते हैं, वहाँ से कराएंगे। वेदर अब वैसे काफ़ी मस्त है, हवा भी चल रहा है थोड़ा बहुत धीरे धीरे, और ठंडा हवा चल रहा है, ठंडा गर्म, मज़ा आ रहा है। वाह, स्टेशन के पास वाला रास्ता यहाँ से शॉर्टकट लेके मैं जाता हूँ अंदर, लेकिन आज तो नहीं जाने वाला, आज यहाँ पे काम के लिए आया। सुबुदा का चप्पल वहाँ पे सिलाई हो रहा है सामने, सुबुदा मस्त खड़ा हुआ है स्टाइल में पोज मारते हुए, और आज वैसे यहाँ पे छाव उतना ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे तो पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, रेलवे का एरिया है ना, बहुत सारे पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, पुराने, हमारे से भी पुराने, रेलवे ज़्यादा पुराना है अंडाल में, काफ़ी दिन से, हमसे भी ज़्यादा। हम लोग तो शायद 1977 में आए हैं, तो रेलवे उससे पहले से है, बहुत ज़्यादा पहले से। रेलवे स्कूल जिसमें हम पढ़े थे ना, वो 1921 या फिर 31 से, जिसमें हम लोगों ने क्लास 1 से 10 तक पढ़ाई किया, तो रेलवे तो बहुत ज़्यादा पुराना है। यहाँ पे काम बस ख़त्म हो जाए फिर थोड़ा सा घूमते हुए भी चल सकते हैं, क्योंकि आज वेदर काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी बढ़िया, छाँव का ज़रूरत आज है ही नहीं, क्योंकि धूप ही नहीं है इस टाइम में, तो पूरा धूप कम हो गया, देखो कितना बढ़िया वेदर है। काम होने में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 मिनट रुकते हैं। कितना बढ़िया वेदर है देखो गाइस, कितना बढ़िया वेदर है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, और इसके बीच में देखो छोटे वाले बच्चे को देखो छुप रहा है, ये देखो छुप रहा था, खाना वाना हो गया अभी भाग रहा है, दोपहर का खाना ख़त्म हो गया। इतना बड़ा अगर मेरे पास बाल होता ना, मज़ा आ जाता, मैं इतने बड़े बाल करने का ही सोच रहा था। देखो कितना बड़ा है इसका, देखो थोड़े दिन बाद इसका बाल काटा जाएगा, मतलब जब 5 साल वाला बर्थडे होगा तब। ये देखो आम के पत्ते ही बीच में जो है नए नहीं लगे थे, तो अभी नया लग चुका है, नया कितना बढ़िया लग रहा है देखो आम के पत्ते वो, लेकिन इस साल आम का फलन हुआ नहीं है। कितना सुंदर पत्ता है ना, बेबी दिखा रहा है कितना सुंदर पत्ता है, बेबी अभी इतना ज़्यादा उसको गर्मी लग रहा है कि उसने शर्ट पहना ही नहीं है, खोल के रख दिया,
उसको पहनाया गया था लेकिन उसको मज़ा नहीं आया, इसलिए खोल के रख दिया। और उधर देखो, उधर खड़ से मतलब खौड़ जो होता है, खौड़ को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन गर्मी को थोड़ा सा कम करने के लिए ये जो छत है ना, छत के ऊपर दिया जाता है, छत के ऊपर डाल दो। उसके बाद अगर सूरज का हीट उतना भी बहुत ज़्यादा तेज़ भी हो ना, तो खौड़ अगर बिछाया हुआ हो यहाँ पे, तो नीचे वाले जो रूम है वो थोड़ा सा ऊपर से ठंड रहता है, और ऊपर से अगर ठंड रहेगा तो सीलिंग फ़ैन चलेगा, तो सीलिंग फ़ैन का जो हवा है वो भी ठंडा होगा, तो इसी कारण से खौड़ बिछाया जाता है वहाँ पे भी, उस रूम में हो रहा है उधर घर में। ये है एक इंडिया का जुगाड़ वाला टेक्निक, लेकिन ये बहुत काम वाला भी है। तो मैं नहाने चलता हूँ, बेबी का तो नहाना खाना सब हो चुका है, बस छुप रहा है, नीचे भाग जाओ भाग जाओ। मैं भी नहा गया था, और बढ़िया हवा चल रहा है, होना चाहिए ऐसा वेदर, होना चाहिए ऐसा मस्त हवा चलना चाहिए। वो कुछ सुनाई नहीं देगा, मैं कैमरा घुमा दूंगा ना, हवा चलेगा पूरा, काफ़ी तेज़ हवा चल रहा है, ये वाला हवा चाहिए, और गर्म भी नहीं है हवा, थोड़ा बहुत ठंडा ठंडा है, धूप तो वैसे ही नहीं है आज। आज असली मज़ा आने वाला है, आज बिल्कुल मज़ा आने वाला है। आसपास में कहीं पे तो बारिश हुआ है सच में, मुझे लग रहा है, मुझे तो लग रहा था कि काल वैशाखी जैसा कुछ तूफान आ जाए, लेकिन वैसा तो कुछ हुआ नहीं अभी तक, तो हुआ नहीं है, टाइम हो चुका है, लेकिन हवा काफ़ी मस्त चल रहा है, तो इसलिए गर्माहट उतना ज़्यादा है नहीं हवा के कारण, मज़ा तो आ रहा है। छत में रहूं या नीचे रहूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मज़ा हर जगह पे आ रहा है, लेकिन पैर मेरे गंदे हो रहे हैं, मम्मी देखेगी तो चिल्लाएगी मैं नीचे जाता हूं, या फिर मैं चप्पल पहन के ऊपर आता हूं, दोनों में से एक तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे खुले पैर रहूंगा तो पैर गंदा हो जाएगा, उसके बाद दिक्कत थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन हवा का भी बढ़िया है, थोड़ा सा हवा खा के चलते हैं, बाद में देखेंगे मम्मी जो बोलेंगी सुन लेंगे थोड़ा सा, क्या बात है। लेकिन इतना बढ़िया हवा मिस नहीं करना चाहता मैं, इतना तेज़ इतना मस्त हवा चल रहा है ना, मिस नहीं करना। ओ IPL भी तो देखना है, आज तो दो दो मैच है, एक दोपहर का मैच है जो कि चालू हो चुका है, उसको देखना है। चलो बाहर अंधेरा हो चुका है पूरा पूरा गाइस, और अभी टाइम हो रहा है 6:25, मैं चलता हूँ नीचे कैफे में, अभी तक फ़ोन में गेम देख रहे थे मतलब IPL, अभी नीचे चल के बड़े स्क्रीन पर लैपटॉप में देखते हैं। वैसे काफ़ी बढ़िया मैच चल रहा है, टारगेट बहुत ज़्यादा है, और रन बना भी, ऐसे ही चेजिंग रन हुआ ना तभी तो मज़ा होता है देखने में, ऐसे नॉर्मल कम रन होता है चेजिंग करने में या आसानी होता है उसमें देखने में मज़ा नहीं। अभी यहाँ पे 130 रन के आसपास करना है, और ओवर भी बचा हुआ नहीं है ज़्यादा, 8-8.5 ओवर के आसपास बचा है, 6-7 ओवर के आसपास बचा हुआ है, तो अभी मज़ा है, मज़ा इस चीज़ को देखने में होता है। चलता हूँ मैं नीचे कैफे में बैठ के, देखते हैं, मस्त काम भी होगा, आज संडे है वैसे, आज तो कस्टमर ज़्यादा होते नहीं है, तो अगर होंगे तो काम भी होगा, नहीं होंगे तो IPL ही होगा, ये हो जाएगा ख़त्म, ये ख़त्म होते होते दूसरे वाले का टाइम आ जाएगा, फिर दूसरा वाला भी देखेंगे वो। चलो फ़ान करते हैं, बेबी दी और मैम ये सब बाहर गए हैं, मैं मम्मी ऊपर हैं, मम्मी थोड़ी देर में शायद धूप डालेंगी यहाँ पे, मतलब संध्या आरती जो होता है वो करेंगी यहाँ पे, तो तब तक के लिए मैं निकल चलता हूँ, नीचे चल के फ़ान करते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है गाइस, अभी 9 के आसपास टाइम है, बेबी भी थोड़ी देर पहले आ चुका है, उसके खिलौने यहीं पे पड़े हुए हैं, उससे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अभी नीचे गया, नीचे जाके फ़ान कर रहा है, सबके सब टाइम पास कर रहे हैं, और बाहर से काफ़ी ज़्यादा घूम के आए, और हमारा भी अभी थोड़ी देर पहले बाहर गए थे, मस्त बढ़िया हवा चल रहा था आज, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग भी घूम के आ गए। अभी घर में आ चुका हूँ, अभी बैठ के IPL देखते, सेकंड वाला मैच भी है ना आज, तो वही देखते हैं। अभी तक कैफे में काम चल रहा था, थोड़ा बहुत काम हुआ, और थोड़ा बहुत IPL भी हुआ, मतलब ज़्यादा IPL हुआ थोड़ा बहुत काम हुआ, यही हुआ है आज। तो फिर से मैं थोड़ा सा डांस प्रैक्टिस कर लेता हूँ, आज पूरे दिन में टाइम नहीं मिला, अभी मिला है, थोड़ा सा कर लेते हैं, और आई एम साइनिंग ऑफ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट।